बार बार उनके साथ ऐसा होता है कि कभी हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, कभी उसकी किस्मत क्यों क्या बिगाड़ा उसने किसी का। क्यों शर्तें मिली। अरमान, अरमान, मैं जानती हूँ कि आसमा की सालत का जिम्मेदार सब मुझे ही मानते हैं, पर अरमान मैं बहन हूँ उसकी, कोई दुश्मन नहीं कि उसके साथ कुछ भी कर दूंगी। हाँ, मैंने बहुत सी गलतियां की, पर अरमान ये उसकी जिंदगी का सवाल है, कुछ भी थोड़ी करूंगी अरमान। चलो ठीक है, तुम लोगों को अगर यही मानना है तो मानो, पर क्या हम लोग फिलहाल इन सब बातों को साइड में नहीं रख सकते? हमारे लिए सबसे जरूरी है अभी आसमा का ध्यान रखना, उसको किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना। प्लीज अरमान। फोन चेक करो, मैसेज किया है तुम्हें, डॉक्टर खुराना का नंबर भेजे, मेरे कॉलेज फ्रेंड के फादर है, बहुत बड़े आई सर्जन है, तुम चाहो तो हम आसमा के लिए बात कर सकते हैं। मुझे अपना वो गेम खेलना होगा जिस गेम का मैं इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, वीरे ने पकड़ लिया क्या? क्या बात, क्या हुआ? पुराने उसने ऐसा क्यों किया? क्या 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 क्या, क्या, क्या वीरे ने? नहीं राजा, तुम समझ नहीं पाओगे, मैं वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। बताओ ना। हाँ बोलो ना राजा, तुम नहीं समझ पाओगे, मुझे पानी चाहिए। हाँ? पानी ला दो। पानी? मैं अभी अभी लाता हूँ। हाँ, अभी लाता हूँ। बेचारी आसमा, मैंने तो अपने गेम शुरू कर दिए, अब अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस भी आ जाए ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजा को जो मैंने दिखाया है वो तुम कभी बदल भी नहीं पाओगी। ये क्या कर रहे हो पुत्र? चिल्ला लिया ना, मैं हूं ना यहां, चोट तुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है,
रब तेन छेती ठीक करे पुत्र, खा ले थोड़ा सा। बस मम्मी जी हो गया। ऐसे कैसे, हाँ सारा खत्म करना है, चल खोल मुंह। पानी मम्मी जी, मिर्ची चली गई है, पानी मम्मी जी, पानी प्लीज, मिर्ची लग गई, क्या मम्मी जी पानी। पानी मम्मी जी, क्या पानी प्लीज। अरे आसमा अपनी मन की आंखों से देखो, मैं तुम्हारी बहन, क्योंकि अब इन आंखों से तो तुम देख नहीं सकती ना। क्या हो गया, क्या कुछ चाहिए तुम्हें, पानी ढूंढ रही हो? अरे आसमा, देखा तुमने, अब तुम हर बार ऐसे ही गिरोगी मेरे सामने मुंह के बल। वैसे ना मुझे ये सोच-सोच के ना बहुत ही तरस आ रहा है कि तुम अपने ये छोटे-मोटे रोज के काम कैसे करोगी। तुम्हारी डेली लाइफ तो एक जंग बनने वाली है, फिर तुम मुझसे कैसे लड़ाई करोगी। सो सैड, तरस तो मुझे तुम पे आ रहा है ना। मुझे पहले तो शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी ये हालत तुमने की, ये सब कुछ तुमने किया मेरे साथ। हाँ किया, तो क्या करोगे तुम, डैडी से मेरी शिकायत करोगी? नहीं 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 नहीं, या फिर तुम डैडी जी को जाके बता दोगी, या फिर मेरे प्यारे अरमान को जाके बताओगी। तो जाओ ना, जाके सबको बता दो। अरे उठो आसमा, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आजकल तुम्हारी बातों पे कोई खास भरोसा करता नहीं है, क्योंकि तुमने जब से बात-बात पे मेरा नाम लेना शुरू कर दिया है ना, सबको ये लगता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। पर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम मुझ पे इल्जाम लगा भी देती हो तो साबित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। लगाओ, शौक से इल्जाम लगाओ, पर याद रखना तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और ये जो तुम्हारा शौक है ना मुझ पे नजर रखने का, इतनी ही चिढ़ मुझे तुम्हारे शौक से थी, तो कर दिया मैंने वो सब जो मुझे करना था, और अब मैं वो सब करूंगी जो मेरा मन चाहेगा, जो मेरा जी करेगा आसमा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अरे कुछ करना तो दूर, मैं जो कर रही हूं वो तुम देख भी नहीं पाओगी। कितना मजा आएगा ना आसमा, अरमान की जान जिस तोते में है, उस तोते की गर्दन मेरे हाथों में है। और जब तक मैं राजा की गर्दन पे प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगी, तब तक मेरा काम कैसे होगा आसमा, मेरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। बट आई एम वेरी सॉरी, इस बार तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आलिया तुम ऐसा कुछ भी, thank you.
दिन बाल्टी भर के पानी फेंका था ना मुझ पे, ये उसका जवाब है। और आसमा, तुमसे मैं अपनी एक एक बात का जवाब लूंगी। और हाँ आसमा, एक और बात, आगे आने वाली हर मुसीबत, हर मुश्किल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है अंकल, ओके। बोल। डैडी ने कुछ सामान भेजा है आसमा के लिए, मेरे रूम में रखा है, आके ले जाओ प्लीज। मेरी तो अभी बात है उनसे, मुझे तो ऐसा कुछ कहा नहीं। अरमान, मीठी सी चाय आलिया तुम्हारे लिए। सामान कहाँ है? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मैं सामान ले आऊंगी। क्या हुआ आलिया? हाँ रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या बताओ? बताओ ना कैसे? क्या क्या हुआ? नहीं राजा, तुम नहीं मानोगे, तुमने वीरू से बहुत प्यार करते हो ना, कभी नहीं यकीन करोगे कि उसने मेरे साथ तुम्हारे साथ बताओ ना आलिया क्या? नहीं नहीं बता सकती, नहीं, नहीं बता सकती। आसमा, आसमा क्या हुआ? हाँ ये गलत किसने किया? क्या हुआ? उठो उठो ध्यान से। हाँ क्या हुआ? किसने कुछ कहा? बोलो बताओ क्या क्या हुआ? तूने कुछ कहा तुम्हें? नहीं राजा, मैं नहीं बता सकती। अरमान, आलिया के दिमाग में कुछ तो बहुत डेंजरस चल रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या करने वाली, पर वो राजा के साथ गलत कर दी। मेरी आंखों की वजह से ना हम उसे फ्री नहीं छोड़ सकते, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें उसमें नजर रखना होगा, तुम्हें मेरी आंखें बननी पड़ेंगी। अरमान तुम उसे नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? आलिया तो मेरी बात सुनो पहले। अरमान नहीं, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। राजा को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आंखों का पहरा इस घर से कभी नहीं हट सकता, कुछ नहीं होगा। मैं हूं, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। राजा उसने अच्छा नहीं किया, क्या? वो
वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है बार बार, ऐसे कैसे हाथ लगा सकता है मुझे? हाँ? तुमने देखा था ना राजा, वो सुबह कैसे मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था, देखा था ना तुमने? तब राजा, हाँ। राजा राजा तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब? हाँ। वो हाँ। वो आज भी मेरे पास रिलेशनशिप का फायदा उठाना चाहता है। नहीं नहीं राजा, आसमा पी लो। अरमान, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन राजे, मेरी बात तो सुन। क्या नहीं सुनेंगे? क्या किस किस नहीं सुनेंगे? राजे राजे मेरी बात सुन। क्या हुआ? मेरी बात तो सुन। किस ने किसने कुछ कहा? राजा क्या क्या नहीं पता है? क्या किसने कुछ कहा? नहीं पता, नहीं पता। राजे मेरी बात तो सुन। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? ये दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? भाई है ना तुम्हारा, उसमें कैसे हाथ उठा सकते हो तुम? तुम भी तो कह रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। जाओ अंदर कमरे में, जाओ तुम अपने। जाओ राजा कमरे में जाओ, मैंने बोला ना, जाओ जाओ यहाँ से। फरमान, चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, राजा की साइड से मैं माफी मांग रही हूँ तुमसे। कोई जरूरत नहीं उसकी तरफ से माफी मांगने की। भाई है वो मेरा, खुद बात कर लूंगा मैं। दूर रहे हम दोनों से। अरमान, 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 आसमा, इजी, आराम से। अब तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तो अपनी बहन का ही सहारा ले लो। पर नहीं, वो तो तुम लोग ही नहीं है ना? अच्छा वैसे आसमा, ये जो तुम्हारे कान है ना, इनको तेज कर लो, क्योंकि कयामत को आते तो तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन हाँ उसकी आहट तो सुन पाओगे। तुमने मुझे रोका क्यों? बोला ना तुम कहीं नहीं जाओगे, चलो पीछे। ना तू छोड़ना नहीं है उसको, तुम ऐसा गलत किया। एक सेकंड, देख छोड़ूंगा नहीं उनको। तुम तुम तु, 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 ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ जा जा, राजा नहीं, राजा आ जा साइड में जाओ। राजा बिल्कुल शांत। पता है तुम, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आते तुम्हें, किसे काम के नहीं हो तुम। राजा, I'm sorry. राजा, I'm sorry राजा, मैं sorry बोल रही हूँ ना तुमसे। देखो मेरी मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे थे? हाँ मेरी वाइफ को ऐसे परेशान करेगा तो मैं और क्या करूँगा? हाँ नहीं नहीं राजा, देखो अरमान, अरमान कभी नहीं मानेगा इस बात को कि उसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की है। और फिर इन सब में क्या होगा? किसकी बेइज्जती होगी? मेरी, तुम्हारी वाइफ की। नहीं समझते तुम राजा, इतनी सी बात। तो क्या करूं? हाँ प्रॉमिस, सबसे पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हमारे बीच की कोई भी बात तुम किसी और को जाके नहीं बताओगे। अरमान को, किसी को, किसी को भी नहीं। प्रॉमिस करो राजा, देखो प्रॉमिस करो, वरना तो मैं अपने पेके चली जाऊंगी हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के। नहीं 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 नहीं, तुम कहीं कहीं मत जाना लिया, तुम कहीं मत जाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ किसी को नहीं बताऊंगा।
हाँ गुड बाय। रोजा ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ वॉशरूम है ना, वॉशरूम जाओ अच्छे से साफ कर लो, चेंज कर लो, जाओ। हाँ समझाना पड़ता है हर छोटी 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 बातों पे, लेकिन हाय हाय मेरे राजा, कमाल कर देता तुसी, उस आसमा के तो होश ही उड़ा दिए। मन कर रहा है यार चूमो ना चूमो।